रखा कुछ बचा ही नहीं यार, यही चेक करो। अरे इतनी हाइट से पढ़ा है यार, सीरियसली भाई। ओहो भाई देख रहे कहाँ से निकले हैं यार। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एंड होने भी चाहिए। तो भाई मैं भी बिल्कुल सही हूँ। बाकी करते हैं आज के नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में आप सबका स्वागत भाई। तो सबसे पहले भाई ये देख रहे हो भाई, अपने कर दिया भाई स्कॉर्पियन को भाई। तो आपको बता दूँ इसका नाम भाई हमने रखा है स्कॉर्पियन। मतलब बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा इसका नाम रखते हैं भाई स्कॉर्पियन। मतलब मेरे को नहीं लगता भाई आज तक किसी बाइकर ने स्कॉर्पियन नाम रखा होगा, बट मैंने इसका नाम रखा है स्कॉर्पियन, आपको बता दूँ। तो इसको कर दिया भाई हमने कोल्ड स्टार्ट भाई। सर्दी, अब आपको पता भरमौर में तो सर्दी है, और बाकी भाई गर्मियाँ भी होना अपनी बाइक को भाई थोड़ा बहुत ना कोल्ड स्टार्ट करे करो। मतलब 2 से 3 मिनट भाई बाइक को ना स्टार्ट रखा करो। कोल्ड स्टार्ट वगैरह कर लिया हमने बाइक को, 2 से 3 मिनट हो गया। बाकी अभी आ रहा है पेट्रोल वगैरह फिलअप कराने गया, उसके बाद निकलते हैं हम भी सीधे ट्रैक्ट। मिलते हैं आपको एक प्यारी सी राइड पर। भाई निकल चुके अपने स्कॉर्पियन को लेकर भाई। मतलब भाई कमेंट बॉक्स में बताना भाई आपको इसका ये नाम कैसा लगा भाई स्कॉर्पियन। बाकी फिलहाल ना मैं गया हुआ था अभी के पास, वो आगे करा रहा था अपनी बाइक में भाई फिलअप। तो पेट्रोल उसकी बाइक में ना भाई बिल्कुल ही नहीं था, तो अब उसने फिलअप वगैरह करवाया है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यार एक प्यारी सी राइड करते हैं। बाकी का इस तेल तो भाई मेरी बाइक में भी बड़ा ही कम है ना, बट आपको पता भाई हम डलवाएंगे सीधे लाहौल में जाके यार। फाइनली भाई भरमौर के बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं। बाकी यार यहाँ पे ना हर टाइम आपको भाई ट्रैफिक ही मिलेगा यार। गाइस आज ना मौसम भी भाई बहुत ना मतलब बारिश वाला हो चुका है, देख सकते हो भाई आप लोग। मतलब लग रहा है भाई बारिश हो जाएगी। हो जाएगी क्या भाई, होगी मेरे हिसाब से तो। बाकी देख रहे हो भाई आपका कहाँ से निकल रहा है। तो गाइस फाइनली भाई ट्रैफिक से तो निकल चुके हैं, बट बस ये लास्ट कार है, अब इसको क्रॉस लेते हैं। फिर भाई आज ना ब्लॉग को मिस मत करना, बहुत प्यारा ब्लॉग लेके आएंगे। बिकॉज ना आज ना भाई सारे मूड में राइड करने के, तो भाई तगड़ी सी राइड मारेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं भाई संचुई वाली साइड। बाकी यार पल्सर को मिस कर रहा हूँ भाई, ये जैसे कट्स देख रहा हूँ ना मैं भाई, जो पल्सर पे कटिंग होती थी ना नेक्स्ट लेवल भाई। बुलेट में ना थोड़ा भाई ब्रेकिंग का इशू आता है यार, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं बहुत इशू आता है यार। क्रेजी भाई, क्रेजी यार भाई, भाई आपका नहीं रुकता भाई, जितने मर्जी कट मिल जाए बस निकालने वाली बात है भाई। कैसे हो आप भाई? बढ़िया, तुम बताओ? बढ़िया भाई, चले फिरे। भाई इन मोड़ों को ना भाई जी, भाई जिनको बोलते हैं ना अंधे मोड़, मतलब आगे का कुछ दिखता नहीं है भाई, वो मोड़ ना आपको मतलब भरमौर में मिल जाएंगे यार। तो यहाँ पे यार बिल्कुल ना, मैं तो भाई आजकल ना सेफ राइड ही कर रहा हूँ यार। आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग भी देख लो ना, मैंने भाई कई ऐसी जगह भी खींची है ना, मतलब जहाँ पे भाई कुछ नहीं होता है, मेरे को मतलब लगता है कि नहीं यहाँ मैं थोड़ी बहुत खींच सकता हूँ भाई। ऐसे नहीं बाइक वगैरह आजकल मैं, बिकॉज मन ही नहीं कर रहा यार। ऐसे ऐसे भाई सीन मिल गए हैं ना आजकल थोड़े बहुत, मतलब लास्ट 2-3 वीक में मुझे देखने को भाई, 2 वीक भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 दिन भाई, इतने ज़्यादा सीन्स। बट भाई जिनको देख के ना एक दिल डर जाता है ना, बस भाई वो साहब हुआ है मेरे साथ यार। बाकी रास्ते तो भाई देख लो, छोटे छोटे से रास्ते हैं, जो खाई है ना नेक्स्ट लेवल भाई, मतलब हज़ार हज़ार फीट की खाई है यार, 500 से नीचे फीट की तो कोई खाई मिलेगी नहीं ना आपको यार। वो भाई ये धुआं, ओ शिट गाइस, ओ भाई जंगल में आग लगा दिया यार, मत करो ऐसे यार, शिट यार बहुत गलत है यार ये। मतलब ना जंगल वगैरह में आग नहीं लगानी चाहिए यार मेरे हिसाब से तो, बिकॉज छोटे छोटे जानवर यार इन ना इसमें मर जाते हैं यार, एंड
बचते नहीं है बिल्कुल भी। बाकी गाइस सारे ना आगे चल गए हैं, मैं थोड़ी सी फोटोज वगैरह लग पड़ा था क्लिक करने। ये कहाँ लगी है आग, ये आग कहाँ लगी है, नीचे जंगल में लगाई है कि घर में, जंगल में। ओके सो गाइस फाइनली अभी चल गया क्या, अभी बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं ना और ऊपर ही रुकेंगे भाई सीधे, अब आपको चलते हैं भाई। ये तो यहाँ रुका हुआ है, फाइनली भाई ये रहा अपना ग्रुप एंटोक 125, अपना स्कॉर्पियन एंड ये रही भाई अभी की पल्सर 150। बाकी व्यू चेक कर लो एक बार भाई, कुछ इस तरह की लोकेशन पे रुके, मैंने सोचा एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं भाई शाम के टाइम ना, इवनिंग टाइम पे 4 बजे के बाद भाई इस लोकेशन पे ना इतना प्यारा सनसेट दिखता है ना भाई, मतलब भाई सारे माउंटेन्स वगैरह एंड सामने भाई सनसेट हो रहा था भाई, बहुत प्यारा लगता है यार। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना भाई आपको लोकेशन कैसी लगी, मतलब मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में बताई है बट एक बार फिर से शाम के इवनिंग टाइम पे, मेरे को नहीं लगता मैं कभी यहाँ पे आया हूँ, मतलब आया बड़ी बार व्लॉग में बड़ा कम दिखाया है, तो बताना भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये देख रहे हो भाई तीनों की लुक कैसी लग रही है, सबसे पहले भाई एंटोर्क, मतलब बहुत प्यारी स्कूटी लगती है, मतलब यार स्कूटी में बताऊँ ना मुझे यार ये अच्छी लगती है, मतलब इसकी जो साउंड है ना मतलब बहुत प्यारी है यार। बाकी फिर पल्सर, फिर बुलेट भाई, ये जो इस पर शेर बनवाया है ना बहुत क्रेजी लगता है यार। बाइक गिरी थी पहाड़ी से, बताना जरा भाई, वो देख लेना ब्लॉग में जाके देख लेना, चेक कर लेना गाइस। ये पागल बनाता है इसके ब्लॉग, ब्लॉग मत देख रहे हो, बड़ा पागल बनाता है बंदों का इतना। सो गाइस भाई इन लोगों का ना पीछे ना भाई क्लोले शुरू हो गई है ना, तो इनका टाइम भाई खत्म है, वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर मैं वहां रुका रहता तो इन्होंने भाई आगे नहीं आना था, मैं आगे आया हूं ना, देखना भाई एक एक करके कैसे पीछे आएंगे। अब ये देखो भाई एक ये आ रहा है, एक ही आया, एक वो आया, देखा भाई मुझे पहले पता था गाइस ऐसे आएंगे। गाइस आप लोगों से भाई एक ना मैंने मतलब बात शेयर करनी थी, मेरे पास क्लिप्स वगैरह भी पड़ी हैं थोड़ी सी, मैं ब्लॉग में डाल दूंगा अभी, आप आगे जाके चेक कर लेना। गाइस मैं लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा मेरा, इससे पिछले से पिछला ब्लॉग मतलब सेकेंड लास्ट ब्लॉग मेरा, तो भाई मैं गया था नूरपुर। एंड गाइस जब मैं नूरपुर जा रहा था ना भाई, यहाँ से खड़ा मुख लोकेशन पड़ती है, उसके आगे एक लोकेशन पड़ती है भाई ढगो। एंड गाइस भाई वहाँ से चढ़ रहा था ऊपर को ट्रक यार, मतलब चढ़ाई चढ़ रहा होगा, चढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी भाई थोड़ी बहुत ही चढ़ाई है भाई, वो चढ़ाई चढ़ रहा था एंड पता नहीं भाई क्या हुआ, गियर नहीं डाला, बट कुछ भी हो सकता है, मतलब रात का बात है, अब क्या बोल सकते हैं भाई, होप्स होगी बंदे ने भाई ड्रिंक भी करी हो सकती है, बट क्यों भाई जो बंदा चला गया अब उसकी बात करनी। गाइस आपको इससे भाई समझ आ गया होगा कि भाई बंदा यहाँ पे नहीं बचा है, सो भाई उस बंदे के लिए भाई सबसे पहले भाई ओम शांति भाई, उसकी आत्मा को शांति मिले। बाकी भाई वो ट्रक गिर गया भाई सीधे खाई में रात को भाई, कोई 11-12 के करीब भाई रात को ट्रक गिरा भाई, ट्रक ना वो पूरा टोटल लॉस हो गया, मतलब ट्रक का कुछ बचा ही नहीं, मतलब यहाँ तक कि जो ट्रक का भाई फ्रंट होता है ना भाई कैबिन भाई पूरा खत्म यार, मतलब पूरा ही टूट गया हुआ था, मतलब टोटल लॉस सीमेंट से लोडेड ट्रक था यार। बाकी गाइस मैं ये क्लिप्स ऐड कर देता हूँ, पहले आप ये क्लिप्स चेक करो यार। हाइट से पड़ा है यार सीरियसली भाई, चलो निकलते गाइस जल्दी अभी यहाँ से जल्दी से। आई होप भाई आप लोगों ने क्लिप्स देख ली होंगी, एंड गाइस जो जो जिन जिन ने यार क्लिप्स देखी है ना भाई कमेंट बॉक्स में भाई ओम शांति लिख के जाना सारे यार। बाकी बंदा तो भाई नहीं बच पाया, बिकॉज बंदे की भाई जो डेड बॉडी होती है ना भाई, वही ना 2 से 3 दिन बाद मिली थी यार, मतलब बहुत लेट मिली यार, तो तब तक आपको पता भाई पानी में बंदा नहीं बच सकता यार, रावी रिवर आपको पता भाई बहुत गहरी है, तो बंदा बच नहीं पाया बिल्कुल भी।
गाइस भाई रास्ते में जला हुआ था भाई अपना क्रिकेट, मतलब यार भरमौर में ना यार ग्राउंड्स वगैरह बड़े कम है यार, मतलब है ही नहीं है यार, बहुत ही रेयर है यार, बहुत ही ज्यादा रेयर। आपको पता भाई साइड में अपनी खाइयां वगैरह एंड ग्राउंड भाई कहाँ से होगा, तो बंदे भाई रोड साइड ही क्रिकेट खेलते हैं ज्यादातर। तो गाइस थोड़ी सी खींचेंगे बाइक भाई, ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो गाइस भाई कुछ इस तरह की लोकेशन में रुके हैं, ये रहा अपना स्कॉर्पियन, बैक साइड का गाइस एक बार व्यू चेक कर लो भाई, बहुत क्रेजी व्यू आ रहा है यार। बाकी ये लगी अपनी बाइक यार, तो गाइस इसका ना भाई मुझे ना सबसे पहले आज घर जाके ना साइलेंसर बदलना पड़ेगा, मतलब ये अपनी लगी है शॉर्ट बॉटल तो इसको चेंज करवाएंगे भाई, क्योंकि ये पटाखे बड़े मार रही है ना, तो कल मुझे जाना है भाई काम से भाई चंबा साइड, तो चंबा साइड आपको पता स्ट्रिक्टनेस तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज भाई चंबा है अपनी डिस्ट्रिक्ट, तो इतने ज़्यादा चलान होते हैं तो भाई 5 से 10 हज़ार का चलान हो जाएगा, तो क्यों भाई 5 से 10 हज़ार वेस्ट करना है। ओरिजिनल साइलेंसर लगाएंगे अब इसको, बाकी जब वापस आ जाएंगे तो फिर से चेंज कर देंगे। बाकी ये रही कुछ बैक लुक अपनी बाइक की, बहुत क्रेजी लुक आती है यार। बाकी भाई बुलेट का आपको पता कोई मुकाबला तो है नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक भाई अपनी जगह है, बुलेट अपनी जगह है, ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है, बाकी स्पोर्ट्स बाइक भाई जितनी मर्जी भगा लो रुकने का तो नाम ही नहीं लेती है। मतलब मेरे को भाई ड्यूक 390 भी भाई बहुत पसंद है, बाकी बुलेट उनमें से एक थी जो कि मेरी ड्रीम बाइक थी, जो कि अब एक पूरी हो चुकी है, अब जो अपनी नेक्स्ट एम होगी भाई वो होगी ड्यूक 390 की, कभी लेंगे भाई जब टाइम आएगा, किस्मत में होगी तो भाई क्यों नहीं मिलेगी। बाकी चलते हैं भाई, ग्रुप पता नहीं कहाँ रह गया है, मेरे को बड़ी देर हो गई है यहाँ पे आए हुए एंड वो लोग मिल नहीं रहे हैं यार, कहाँ पे है, तो देखते हैं यार 2-3 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो चलते हैं वापस उनके पास। सो गाइस फाइनली भाई कुछ इस तरह की लोकेशन पे रुके थे, चेक कर सकते हो आप लोग भाई, ये रहा अपना ग्रुप, बाकी फोटोशूट वगैरह की है जाके इंस्टाग्राम पर चेक कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, जो बंदे नहीं आ रहे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये आज का व्लॉग भाई पसंद आया होगा, बाकी भाई यही बोलूंगा ड्राइव से, बाकी करते हैं आज के व्लॉग को इसी के साथ यहीं पे एंड, मिलेंगे आगे एक नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो खाते पीते रहो एंड ड्राइव सेफ गाइस।